अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको साइटेशन APA साइटेशन या MLA साइटेशन जो है उसका तरीकाकार बताएंगे। साइटेशन जो है APA MLA के अलावा भी हो सकती है। तो ऑनलाइन साइटेशन जो है जस्ट एक या दो सिंपल स्टेप में आप कैसे कर सकते हैं। इसमें साइटेशन जो है वो आपकी एक बुक की हो सकती है, वेबसाइट की हो सकती है, एक आर्टिकल की हो सकती है, किसी मैगज़ीन की हो सकती है, यूट्यूब वीडियो की हो सकती है या किसी और वीडियो की हो सकती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आर्टिकल है, इसका लिंक हम कॉपी कर लेते हैं। अब अगर हमें MLA साइटेशन चाहिए, ये अब आर्टिकल एक है, तो ये वेब पेज भी है हमारे लिए एक, तो वेब पेज की साइटेशन के लिए हम इधर लिख दें अगर फॉर एग्जांपल वेब पेज MLA साइटेशन, वेब पेज APA साइटेशन, या ये जिस तरह लिखा है मैंने ऑनलाइन MLA फॉर्मेटिंग, तो आपने ये लिखना है। नीचे दो तीन लिंक हैं, इनमें से आप एक कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। साइटेशन मशीन, ईजी वेब या स्क्रिबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्क्रिबर यूज़ करते हैं। इसमें क्लिक करें, देखें इसमें अब सारे ऑप्शन हो गए, ठीक है। कौन से, वेबसाइट का है, बुक का है, आर्टिकल का है, न्यूज़पेपर का है, मैगज़ीन का, इवन डिक्शनरी का है, इंसाइक्लोपीडिया एंट्री है, ऑनलाइन है, इसके अलावा भी और भी फॉर्मेट हो सकते हैं। तो हमारी चूँकि वेबसाइट के एक आर्टिकल है, हम इस पर क्लिक करें, यहाँ पे पेस्ट करें और सर्च करें। सर्च करेंगे तो आपका नीचे जो है ना आर्टिकल वो आ जाए। अगर बुक है तो यहाँ पे आप बुक का नेम और ऑथर नेम लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपकी वो बुक जो है वो आ जाएगी। ये है हमारा आर्टिकल। ये हमने इस पर क्लिक किया, उसने जो है साइटेशन जो है उसकी मांग ली। अब पब्लिशर नेम इसमें मिस है तो वो क्या है, वाशिंगटन। पोस्ट है, ये देखिए। अब ये आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट होने के लिए कॉपी हो जाएगी। इसी तरह APA फॉर्मेटिंग है या कोई वीडियो की, तो ये स्क्रिबर भी है आपका, साइटेशन मशीन, ये सबसे बेस्ट हैं दोनों। इस तरह वीडियो है तो वीडियो के लिए भी आप इन दोनों में से कोई एक लिंक यूज़ कर सकते हैं। आपको मैनुअली जो है साइटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें एक और चीज़ होती है, कभी कभी जब डाटा आप वेबसाइट से ले रहे हैं, लिंक ले रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं, जिस तरह ये ऑथर नेम क्या है, डेट क्या है, तो ये आपको मैनुअल यहाँ से ना देख के कि ये किस दिन पब्लिश हुआ है, जिस तरह इसकी डेट ये लिखी हुई, तो आपको खुद इंटर करना पड़ेगी, तो इसलिए आपने इन्हें इंटर कर लिया।